अस्सलाम वालेकुम 15 लाहौर बेटा, ये पुलिस की हेल्पलाइन है, इमरजेंसी हेल्पलाइन। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बताइए। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेक कॉल्स आ रही हैं, जिनका बहुत बड़ा एक बल्क है जो आ रहा है, जिसकी वजह से टाइम ज़ाया होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम 85-90% हमारे जो थे वो हॉक्स कॉलर्स थे, हॉक्स कॉल्स आती थी टोटल जो बल्क था उसमें, वॉल्यूम में से वो रिड्यूस होकर अल्हम्दुलिल्लाह 65% के करीब आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबैर शारिक, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही अहम मसले से रूशनास करवाने जा रहे हैं। 15 एक एमरजेंसी नंबर है, ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा, और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप मुश्किल में हों, परेशानी में हों और कानून की मदद चाहते हों। लेकिन इस नंबर का गलत इस्तेमाल भी बहुत किया जा रहा है, फेक और गैर ज़रूरी कॉल्स की शक्ल में। ये कॉल्स क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो आइए मेरे साथ। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 के सेंटर में, और यहाँ बैठे पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान से पूछते हैं कि कॉल टेकिंग की SOP क्या हैं और वो फेक और गैर ज़रूरी कॉल्स पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एमरजेंसी 15, जी बताइए, ये क्या इशू है? ज़हीन, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि 15 पर जब गैर ज़रूरी कॉल्स आती हैं तो उस वक्त आप उसको कैसे डील करते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जो गैर ज़रूरी कॉल्स हैं उनकी जो रेशो है काफ़ी ज़्यादा है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि काम रहते हुए जो भी कॉल्स आ रही हैं, चाहे उसमें बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, अक्सर फीमेल्स भी होती हैं, तो हम रहनुमाई करते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस है तो इमरजेंसी के लिए कॉल की जाती है, ताकि आप यहाँ पे बार बार कॉल्स ना करें। पहली कोशिश ये होती है, और लिमिटेड टाइम में हम उसको टैकल करके कॉल एंड करते हैं, ताकि नेक्स्ट जो कॉल आती है इमरजेंसी हो सकती है उस पर हम कनेक्ट होकर ना उसको कॉल को ले सकें और टैकल कर सकें। गैर ज़रूरी कॉल्स किस किस्म की होती हैं, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। उसमें अब छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, पेरेंट्स जो हैं उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, अब पासवर्ड लगा होता है, कोड लगा होता है, तो वो इमरजेंसी जो है वो तो ऑप्शन मौजूद होती है, चाहे उस पर लॉक भी लगा हो, तो उनकी कॉल्स आ रही हैं, उनको पता नहीं कहाँ कॉल चली गई है। सेकेंड, उसमें फीमेल्स हैं जिनका मकसद होता है सिर्फ तंग करना, यंग बॉयज़ भी होते हैं, कुछ ईजी लोड के लिए कह रहे होते हैं कि जी हम ईजी लोड भेज दें, कुछ पिज़्ज़ा डिलीवर करवा दें, और इस तरह की डिफरेंट कॉल्स करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम 15। हेलो। अच्छा, तुम्हारा मुझे ये बताएं कि कॉल टेकिंग की जो बेसिक SOPs हैं वो क्या हैं? कॉल टेकिंग में हमारे पास ये होता है कि जब भी कोई कॉल आती है ना, तो हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम 10 सेकंड्स उसको तहम्मुल से सुने, पहले 10 सेकंड्स, क्योंकि समटाइम्स कॉलर बोल नहीं पाता है, और या वो बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या परेशानी के आलम में होता है, तो हमने कम अज़ कम 10 सेकंड उसे सुनना है सिर्फ। तो उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, उससे उसका एड्रेस पूछते हैं, नाम पूछते हैं, इसके अलावा उसका मुतलका थाना जो उसको लगता है वो पूछते हैं, उसका मसला जानने की कोशिश करते हैं, उनको शॉर्ट वर्ड्स में ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं, कि अपने डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड करते हैं कि कॉलर का ये मसला है, ताकि आगे समझने वाले को भी आसानी हो और थोड़े से टाइम में वो उसको जज कर सके कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि ये इसका जो जनरल कैटेगरी है ये किसके अंडर आ रही है, जैसे कि कोई पोजेशन हो रहा है, लीगल पोजेशन है उसकी लैंड के ऊपर, कोई लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, फिर उसमें हम एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये मसला इसके साथ है, और उसके बाद उस केस को सेव कर देते हैं आगे। अच्छा, अगर कॉलर कोई गैर ज़रूरी कॉल करता है आपसे या कोई कोई फेक कॉल करता है, तो वो एक कम्युनिकेशन ऑफिसर कैसे समझता है कि यार इस कॉल पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कॉल जो है इससे किसी दूसरे की हक तलफी हो रही है, इसको बंद करना है, उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कॉल जब हम अटेंड करते हैं ना, तो हमें एक तो इतनी सारी कॉल्स होती हैं उसमें ले के अब हमें अंदाज़ा हो चुका है कि कॉलर किस तरह बिहेव करता है। फर्स्ट सेंटेंस के बाद बच्चे जो होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं, समझ आ जाती है कि ये मसला जेन्युइन नहीं है। इसके अलावा 2-3 बातें हम उनसे पूछते हैं जो कि अगर तो वो फेक कॉलर है ना, तो वो नहीं उसको आंसर कर पाता है, अगर उसका मसला जेन्युइन नहीं है तो वो उसको जवाब नहीं दे पाता है, तो फिर हम उसे कन्फर्म करते हैं। समटाइम्स हम उसे ये भी कह देते हैं कि पुलिस आएगी आपके पास और आपका मसला हल करने की कोशिश करेगी, और अगर आपका जेन्युइन मसला ना हुआ और आप फेक कॉल कर रहे हुए, तो फिर केस आपके ऊपर भी, मतलब आपके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, तो वो फिर उस टाइम डर जाते हैं अगर वो फेक कॉल कर रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमसे गलती हो गई, बच्चे से डायल हो गया, या इस टाइप का। अस्सलाम वालेकुम 15 लाहौर, जी आपने वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए 15 पे कॉल किया, क्या मदद चाहिए आपको? जी, आपकी लोकेशन हमारे पास आ रही है। जी बिल्कुल, जी
हम आपको बर वक्त रिस्पॉन्स पहुँचा देंगे, आपकी लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सेव हैं, पुलिस आपसे रब्ता करेगी, आप प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिएगा। अला अच्छा मकसूद, जो वुमेन सेफ्टी ऐप पे 155 की कॉल्स आती हैं उसको किस तरह से डील करते हैं आप? बेसिकली जो हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप है इसके दो इंटरफेस हैं, एक तो आप वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन पे जाके बजरिया मैसेज हमें अपनी जो इमरजेंसी है उसे आगाह कर सकते हैं, और सेकेंडली दूसरा आप उसके ऊपर ऑप्शन होती है 15 डायल करने की। आप अगर आप 15 से डायल करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे पास कॉल रिसीव होती है। उसके बाद हमारे पास एक जियोग्राफिकल इंटरफेस सिस्टम का एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हम लोकेट करते हैं आपके लोकेशन को और फिर हम इमरजेंसी रिस्पांस आप तक पहुंचा देते हैं। कि किस हद तक मददगार साबित हुई है खवातीन के लिए आज तक? जो हमारे पास मैसेजिंग ऐप है उसके पास हमारे पास जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, अगर तो खवातीन उसमें हमें अपनी इमरजेंसी से मुतलका आगाह करें तो इमरजेंसी की नौयत देखते हुए हम उनको बर वक्त रिस्पांस देते हैं, तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए हम उसको बेहतर इफ़ेक्टिवली लोगों की मदद कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 सेंटर के सुपरवाइज़र अब्दुल्ला साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि फेक कॉल और गैर ज़रूरी कॉल में क्या फ़र्क होता है, इसके साथ साथ मज़ीद और सवाल इनसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से? अब्दुल्ला साहब सबसे पहले तो ये बताएँ कि फेक कॉल्स और गैर ज़रूरी कॉल्स में क्या फ़र्क होता है? तो एक बड़ा इनमें वैसे तो बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है, लेकिन हम दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर बताया जाए तो फेक कॉल्स वो होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कॉलर ने कॉल की है कि यहाँ पे ब्लास्ट हो गया जी जी, या मुझे किडनैप कर लिया जी जी, या कोई और इंसिडेंट हो गया जी जी, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है और उसके बाद पता चलता है कि कॉलर का नंबर बंद है या उस जगह पे जिस जगह रिपोर्ट हुआ है वो क्राइम वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सही। तो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ फेक कॉल। फेक कॉल। और गैर ज़रूरी कॉल्स ये होती हैं कि हमें अक्सर जो कार जो हैं वो लोग कॉल करते हैं कि जी बैलेंस करवा दें जी। ये न्यू कल्चर ऑफ पुलिस जो है वो किस हद तक जो है इनको आगाही फराहम कर रहा है फेक कॉल्स के लिए, गैर ज़रूरी कॉल्स ना करने के लिए, किसी की हक तलफी ना हो? अच्छा, इसके लिए हमारी मुख्तलिफ कैंपेन्स भी होती हैं, हम खुद भी फिज़िकली भी फील्ड में जाते हैं, लोगों में ब्रोशर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको बताने के लिए कि देखें ये आपका अपना नुकसान है, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाएगी और आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो ऐसी किसी फेक कॉल पर रिस्पॉन्ड करने के लिए गया हुआ है तो जब तक वो आपके पास पहुँचे खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? वो आप खुद ही एक तरह से होंगे। तो इस तरह इसलिए इस तरह की फेक कॉल्स और गैर ज़रूरी कॉल्स करने का जवाब पैदा नहीं होता, तो आप इससे इज्तनाब करें और लोगों को भी समझाएं। इसके अलावा हमारा मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है, वो सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाता है और उसके ऊपर हमारे जो पेजेस हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के पोर्टल और इसके वेब पेजेस जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ट्विटर के ऊपर उनके ऊपर हम कैंपेन्स अपनी रन करते हैं बाकायदगी से, जिसमें लोगों को समझाया जाता है थ्रू एग्जाम्पल्स के, देखेंगे ये आपके लिए नुकसानदेह। तो इस तरह से तो रिसोर्सेज का भी ज़्यादा, दूसरा इनका अपना नुकसान है। ये बहुत एक अच्छा एक कारामद इनिशिएटिव बताया जो आप रोकथाम के लिए सबके सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इसका असर हुआ है लोगों पर? ये एक बहुत ही ना स्लो और ग्रेजुअल स्लोली प्रोसेस है, मतलब बड़ी स्लोली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आती है, इसको कंटिन्यूटी इसके अंदर ज़रूरी है। अगर इसे डिसकंटिन्यू कर देंगे तो हमारी पिछली पूरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए, मुसलसल रखा जाए, तो एक टाइम आएगा इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, ये एकदम से अवेयरनेस नहीं आ जाती लोगों में, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम इसमें लगेगा लेकिन एट द एंड लोगों में ये अवेयरनेस आ जाएगी जब उनको वाकई पता चलेगा कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ कामरान खान साहब। आइए इनसे चंद सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मजा आ जाए? अच्छा सर, ये 15 पे जो गैर ज़रूरी और फेक कॉल्स आती हैं इसके लिए अथॉरिटी क्या सदबाब करती है? इसके लिए जी मुख्तलिफ इकदामात हमने किए हैं, उनमें से एक तो ये था कि जब 15 पे आप कॉल करें तो आपको एक छोटा सा मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि इमरजेंसी नंबर है, क्योंकि बुनियादी तौर पे समझने की चीज़ ये है कि ये सिर्फ उस सूरत में कॉल करने की ज़रूरत है जब आपको कोई फिज़िकल हेल्प रिक्वायर्ड है, आपको खुदा ना खास एक्सीडेंट हो गया है, कोई क्राइम हो गया है, इसमें पुलिस की, एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की आपको ज़रूरत है या ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत है, तो आप कॉल करके उनकी फ़िज़िकल हेल्प ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेक कॉल्स आ रही हैं जिनका बहुत बड़ा एक बल्क है जो आ रहा है, जिसकी वजह से टाइम ज़ाया होता है हमें उन कॉल्स को अटेंड करने में, उनको ख़त्म करने के दौरान भी, और जो एक्चुअल कॉल हो सकती हैं उस दौरान में बाज़ अवकात ऐसे होता है कि वो क्यू में लग जाती हैं और उसकी वजह से रिस्पॉन्स हमारा थोड़ा सा डिले हो जाता है, चूँकि वो क्यू में आने पर जब उनकी बारी आती है तब तक बीच में बेतहाशा आप फेक कॉल्स को निपटा के और फिर वहाँ तक पहुँचते हैं।
دوسرا جو ہم نے اقدام اس میں کیا کہ ہم الیکٹرانک سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ کمپین بہت عرصے سے ہم چلا رہے ہیں, اور تیسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو ٹاپ 200 ہاکس کالرز ہیں لاہور میں بھی اور پورے پنجاب میں بھی انیشیٹ ہم نے لاہور سے کیا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ, اور یہ تقریباً اب 6-8 ماہ ہو گئے ہیں ہم کر رہے ہیں, اور جو 200 موسٹ فریکوینٹ کالر ہوتے ہیں ہاکس کالرز ہوتے ہیں ان کو ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ان کے اس اقدام سے ان کے کال کرنے سے اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے کتنی امپورٹنٹ کالیں جو ہیں ڈیلے میں کیوں میں لگ جاتی ہیں اور ڈیلے ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے, اور اس کا خاطر خواہ فرق پڑا ہے ہم اس کو کنٹینیوسلی انالیسس بھی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر پچھلے سال اگست میں ہم نے شروع کیا تھا, اگست میں جو کالیں بہت 200 ٹاپ پہ تھے وہ اگلے سپٹمبر سے آن ورڈ وہ ان میں سے کالیں اگر وہ 6000 آ رہی تھیں اس طرح کی کالیں, وہ 200 ٹاپ کالرس تھے وہ 6000 کالیں کر رہے تھے, وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے 200-300-400 تک گر گئی ہیں. تو ہر مہینے نئے 200 ٹاپ ہاکس کالرز ہوتے ہیں سپٹمبر میں اکتوبر میں, ان کو کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کا خاطر خواہ خر پڑ رہا ہے. لاہور میں اس حد تک فرق پڑا ہے کہ ہم 85-90% ہمارے جو تھے وہ ہاکس کالرز تھے, ہاکس کالز آتی تھی ٹوٹل جو بلک تھا اس میں والیوم میں سے, وہ ریڈیوس ہو کے الحمدللہ 65% کے قریب آ گئی ہیں. یہ بڑا ایک میجر امپیکٹ ہوا ہے, اس میں لوگ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں بٹ اس میں بھی بہت گنجائش ہے مزید امپرومنٹ کی. سر ایک سینریو کریٹ کیا جاتا ہے کبھی کبھی کہ 15 پہ ایک کال آئی ہے جو کہ دراصل کہا جا رہا ہے کہ بالکل جینین کال ہے, لیکن جب موقع واردات پہ جاتے ہیں تو وہ فیک کال نکلتی ہے. اس سے اس سینریو سے اس سچویشن سے اتھارٹی کیسے جو ہے وہ فیس کرتی ہے اور اس کو اس سے کیسے سر جی اقدامات کیے جاتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جو کال آتی ہے بیسیکلی ہم تو اس کی کال کو لے کے اور اس پہ رسپانس انیشیٹ کرواتے ہیں, اور رسپانس دینے کے لیے لاہور میں لاہور پولیس ہے, باقی اضلاع میں پنجاب کے ان کی جو متعلقہ ضلع کی پولیس ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے, اور وہی ہم فیڈ بیک کا میکانزم بھی ہے ہمارے یہاں کہ ہم پولیس سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں اور کالر سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ہماری پولیس فرسٹ رسپونڈر موقع پہ پہنچ کے بتاتے ہیں کہ جی اس قسم کا تو واقعہ کوئی نہیں ہوا, یہ جھوٹی اطلاع دی گئی ہے, اور اس پہ پھر متعلقہ پولیس ہی ایکشن لیتی ہے کیونکہ وہ دائرہ اختیار اگر کوئی قانونی کارروائی ہونی ہے کسی پولیس اسٹیشن میں جس پولیس اسٹیشن کے متعلقہ وہ کال کی گئی تھی, تو بعض جگہوں پہ جہاں بہت سیریس قسم کی جنرلی تو ہم ان کو گائیڈ کر کے وارن کر کے اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, بٹ اگر کوئی ہیبیچول ہو جائے اس کو بار بار اس کا استعمال کرے تو بہت جگہوں پہ متعلقہ پولیس نے ان کے ایسے لوگوں کے خلاف پرچے بھی درج کروائے ہیں. اس میں لیکن تھوڑا سا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے سمجھائیں اور اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر ضرورت نہیں ہے, لیکن جو لوگ پھر بار بار باز نہیں آتے ایسے ہیبیچول ہو جاتے ہیں ان کے خلاف پھر یقینا پولیس ایکشن لے رہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں دکھایا کہ فیک اور غیر ضروری کالز کرنے کا کتنا نقصان ہے ان لوگوں کا, خاص طور پہ جن کو واقعی مدد کی ضرورت ہے. تو ایمرجنسی 15 کا نمبر صرف ایمرجنسی کے لیے ہے اور اس کو ایمرجنسی پرپز کے لیے استعمال کریں تاکہ اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے. مجھے اجازت دیجیے, میں زبیر شارق, الوداع.